हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माता मोहन दी ओसवाल यूट्यूब चैनल। आई एम गगनदीप कौर, एसएसटी टीचर ऑफ माता मोहन दी ओसवाल पब्लिक स्कूल। टुडे वी आर स्टार्ट सिक्स चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बेटा क्या है कि हमारे देश की आबादी, जनसंख्या क्या है, कितनी है आबादी, क्या इसमें चेंजेस आते रहते हैं, समय समय पर हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, कौन से रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, उसके बारे में हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इंट्रोडक्शन, मनुष्य जो है एक उत्तम प्राणी माना गया है, जो कि इस ग्रह के कई किस्म के विकास कार्य में हमारी हेल्प करता है। मतलब कई ऐसे विकास कार्य हैं जो मनुष्य द्वारा किए जाते हैं। धरती पे बहुत सारे जो साधन हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, मौजूद हैं, उनके यूजेस करके ही, उनकी वर्तों करके जो मनुष्य अपने लाइफ को, अपने जीवन को आरामदायक और ईजी बनाता है। मनुष्य के बिना इन साधनों की वर्तों कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मनुष्य इन साधनों की, नेचुरल रिसोर्सेज की यूज नहीं करता, तो ये साधन जो है बिना वर्ते ही रह जाते हैं। नेक्स्ट हो गया बेटा साइज ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या के आकार क्या है। भारत का जो क्षेत्रफल के हिसाब से सातवां स्थान है, पॉपुलेशन के हिसाब से सेकेंड है, चाइना फर्स्ट जो नंबर पर आती है। जब भी जनगणना होती है उसमें थोड़ी बहुत ये अप डाउन, कुछ ना कुछ तब्दीली चलती रहती है, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया बेटा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जो जनसंख्या की डिवीज़न है वो कैसे की जाती है। जनसंख्या की जो डिवीज़न है वो हमारे देश की एक समान नहीं है, किसी राज्य में ज़्यादा, किसी की में कम, ठीक है, मतलब कि ये इक्वल नहीं है। जैसे हमारे देश में सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, और सबसे कम आबादी वाला जो स्टेट है वो है सिक्किम, और पंजाब का भारत में 15वां स्थान है भारत में। फाइव स्टेट्स जो ज़्यादा आबादी वाले, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ठीक है जी, इनकी पॉपुलेशन 50% की टोटल पॉपुलेशन है, मतलब कि ज़्यादा पॉपुलेशन वाली। बाकी बेटा सिक्किम हो गया, ठीक है, ये जो स्टेट है वो कम पॉपुलेशन वाले एरियाज आ गए। नेक्स्ट आ गया बच्चा, नेक्स्ट हमें ये मैप दिए हुए हैं, उसके बाद है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जनसंख्या की वसोघनता जिसे हम कहते हैं। वसोघनता से क्या भाव है कि एक वर्ग किलोमीटर रकबे में रह रहे जो व्यक्ति हैं उनसे होता है कि इतने एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं। पंजाब राज्य में वसोघनता जैसे 484 वर्ग किलोमीटर प्रति स्क्वायर है, ठीक है जी। जैसे केंद्रीय प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे एक वर्ग स्केयर में मतलब 46 व्यक्ति रहते हैं, और जैसे दिल्ली में हो गया वही वर्ग स्केयर पे 11,297 लोग रहते हैं, ठीक है, मतलब ये एरिया है। जहाँ बिहार हो गया जैसे, वहाँ 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में, वेस्ट बंगाल में 1028 हो गया, केरला में 860 हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 829। हर जो स्टेट है उसकी अलग अलग होती है। नेक्स्ट बेटा उन्होंने पंजाब के एग्जांपल दिए, जैसे पंजाब के लुधियाना शहर और अमृतसर दोनों की आबादी मतलब कि वसोघनता ज़्यादा है। वहाँ पंजाब के लुधियाना शहर में जैसे 978 प्रति वर्ग किलोमीटर और अमृतसर में 928 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, मतलब ज़्यादा वसो वाले जो शहर हैं ये। नेक्स्ट है बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ, बसों की मतलब कि बसों की जो इंक्रीजमेंट होती है, किसी इलाके या किसी देश में जो व्यक्तियों की गिनती स्थिर नहीं रहती, ये समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए किसी इलाके का एक खास समय दौरान व्यक्तियों की जो गिनती में आए बदलाव को बसों कहते हैं। ये बदलाव किस कारण आता है, कौन से कारण है इस बदलाव के। फर्स्ट क्या हो गया, जैसे जन्म हो गया किसी का, जन्म से होता है तो इंक्रीज़ हो जाता है, मौत दर हो जाती है तो डिक्रीज़ हो जाते हैं, और प्रवास, ठीक है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह से लोग जाते हैं, ठीक है, काम करने में, रोजी रोटी की भाल में लोग एक से दूसरे शहर या दूसरे स्टेट्स को जाते हैं या आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। नेक्स्ट हो गया बेटा एक दहाके में जो वसो की इंक्रीजमेंट है वो 17.68% हुई है, और पंजाब में 2001 से लेके 11 तक पॉपुलेशन जो है 13.9% जो इंक्रीज़ हुई है, और उसके बाद 1991 से लेके 2001
में 20 हुई थी, अब 13.9 है। मतलब समय समय पे इसमें चेंजेस आते रहते हैं। ज़्यादा वसों के जो जिम्मेवार क्या कारण है, मतलब कि वसों के इंक्रीजमेंट के कौन से तत्व हैं जो जिम्मेवार हैं वसों को बढ़ाने के लिए। फर्स्ट क्या हो गया, उच्च जन्म दर और घटती मौत दर, क्योंकि प्रॉपर जो हम मेडिसिन वगैरह पूरा बीमार व्यक्ति का जैसे प्रॉपरली ट्रीटमेंट करते हैं, हर एक मेडिसिन देते हैं, उससे क्या होता है कि जो मौत दर है वो कम होती है और जन्म दर ज़्यादा होगी। मैरिज ऑफ ऑल द वे, विवाह की सर्वव्यापकता, लोअर एज मैरिज अमंग गर्ल्स, लड़कियों की छोटी उम्र में विवाह कर देना, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री, आर्थिक पछड़ेवा, और नेक्स्ट है द क्लाइमेट कंडीशन, देश की जलवायु। ये सारे कारक हैं, तत्व हैं जो इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा एज एंड द जेंडर कॉम्पोजिशन, उम्र और लिंग की रचना। जैसे उम्र के हिसाब से एक हमने शेड्यूल बनाया होता है, जैसे 0 से लेके 14 ईयर्स तक छोटे एज में आते हैं, बालक होते हैं, जैसे 15 से लेके 64 तक बालक, जिसे हम कामागुट भी कहते हैं, मतलब काम करने वाले लोग हैं। नेक्स्ट है बेटा 65 से अबव वाले जो व्यक्ति जो बुजुर्ग एज के आते हैं, वृद्ध अवस्था में कह सकते हैं, ओल्ड एज। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटा ये तो होगी सेक्स रेशो होगी हमारी। नेक्स्ट हो गया बेटा हमारा पॉपुलेशन चेंजेस, क्या तब्दीलियाँ आती हैं, जनसंख्या के बदलाव कैसे आता है। जनसंख्या एक जैसी नहीं रहती, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि समय समय से बदलती रहती है। व्यक्तियों की गिनती में थोड़ा इंक्रीजमेंट भी हो सकती है, डिक्रीजमेंट भी हो सकती है। जनसंख्या जो पॉपुलेशन के बढ़ने के एक कारण ये है कि जन्म, दूसरा मौत और तीसरा प्रवास, जो माइग्रेट करते हैं। तीन कारण होते हैं जो जनसंख्या के अप डाउन के। नेक्स्ट बेटा रीज़न ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन करने के क्या कारण है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च ऑफ द बेटर एग्रीकल्चर लैंड, खेतीबाड़ी कारण जो ज़मीन अच्छी, कहीं हम देखते हैं कि उस एरिया में अच्छी ज़मीन है, ज़्यादा खेती होती है, मिट्टी उपजाऊ है, इसलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। दूसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट की भाल में, रोजगार की भाल में लोग जाते हैं, जहाँ अर्निंग कमाई की आस में कि जैसे गांव से ज़्यादा शहर में इनकम होती है। ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम, कि हमें किसी चीज़ की रोक टोक ना, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी धर्म को की पूजा कर सकते हैं। पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक आज़ादी, फोर्स माइग्रेशन, कई बार कि किसी से ज़बरदस्ती भी प्रवास कराया जाता है कि हम अपनी मर्जी से नहीं, कि आपने अभी यहीं रहना है, ठीक है, जहाँ हम आप मेरे साथ ही जाओगे, ठीक है, ऐसे भी होता है। नेक्स्ट हो गया अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, माइग्रेशन ऑफ द बेसिक मैरिज, विवाह के कारण लड़कियों की शादी हो जाती है, वो उनकी जैसे किसी लड़की की शादी होगी, वो उससे दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, ठीक है, ये भी एक रीज़न होता है। नेक्स्ट हो गया बेटा माइग्रेट लेबर इन पंजाब, पंजाब में जो प्रवासी मजदूर हैं, जैसे देखते हैं हम कि लोग काम करने के लिए शहर को जाते हैं, लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, मंडी गोविंदगढ़, ऐसे नगर, मोहाली, ठीक है, पंजाब में लोग काम करने के लिए आते हैं इन शहरों में, जहाँ फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, पैसा कमाने के लिए, रोजी रोटी की भाल के लिए शहरों में जाते हैं। ये कहाँ से आते हैं लोग, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर से। मतलब 40% लोग जो माइग्रेट काम करने के लिए इधर उधर अपने जाते हैं, क्योंकि उन्हें रोजी रोटी की भाल में कमाई का साधन, अपनी फैमिलीज को पालने के लिए वो माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा लिटरेसी, लिटरेसी क्या होती है, साक्षरता, जिसे हम पढ़ाई लिखाई कह सकते हैं। लिटरेसी रेट मतलब कि लोग पढ़े लिखे कितने, कितना परसेंट एरिया जो पढ़ा लिखा है, ठीक है, ये भी हम जैसे क्राउड ऑफ लिटरेसी रेट कैसे निकालते हैं, ऊपर रखते हैं नंबर ऑफ लिटरेटी, मतलब जैसे टोटल पॉपुलेशन कितनी है, कितने पढ़े लिखे हैं, उसे 100 से मल्टीप्लाई करके हम रेशो निकालते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा हमारा हेल्थ, हेल्थ क्या होती है, सेहत, किसी व्यक्ति की सेहत, जो हालात हैं जिसे कोई बीमारी ना हो और बिल्कुल तंदुरुस्त हो व्यक्ति, लोगों की अच्छी सेहत, देश की सेहत के बारे में पता चलता है, हमें पता चलता है कि जो लोग तंदुरुस्त होंगे उसका देश जो हमारा तभी तरक्की कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एक जैसे दो व्यक्ति हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में लगा लो काम करते हैं, एक व्यक्ति बिल्कुल तंदुरुस्त है, वो हर रोज़ काम करता है, और दूसरा व्यक्ति जो काम पे आता है पर उसे कभी मेडिसिन लेने, कभी कोई बीमारी के कारण वापस छुट्टी लेके जाना पड़ता है,
कई बार वो छुट्टी भी करता है। इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति डेली आता है उसकी वजह से उसका काम आगे आगे बढ़ रहा है, पर जो व्यक्ति छुट्टी लेके घर जा रहा है, बीमार है, पर उसका काम पीछे रह जाता है, तो जो व्यक्ति रोज़ आता है उसकी तरक्की होगी और दूसरा पीछे रह गया। इससे क्या होता है कि अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, इनकम भी अच्छी होगी। इससे क्या है कि हमें अपनी सेहत की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक तंदुरुस्त व्यक्ति ही तरक्की कर सकता है। नेक्स्ट है बेटा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जो कितने के अनुसार जनसंख्या की रचना की है, मतलब जो व्यक्ति जो भी काम करता है उसके अनुसार उसकी डिवीज़न की है। जैसे जनसंख्या की रचना का मतलब है कि लोगों का जो काम है रोजी रोटी कमाने के लिए वो क्या काम करते हैं, ठीक है जी, उसके हिसाब से उनकी डिवीज़न है। जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गया जिसमें खेतीबाड़ी करना, पशु पालना, मच्छी पालना वगैरह ऐसे हो गए। सेकेंडरी काम हो गया, एक्टिविटीज़ होगी जिसमें वो लार्ज स्केल फैक्ट्रीज हैं, माइनिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, अलग अलग ऐसे डिवीज़न की हुई है। नेक्स्ट आ गया बेटा अल्डोलसेंस एंड अंडरसर्व्ड पॉपुलेशन ग्रुप विद स्पेशल नीड्स। किशोर अवस्था में जो हमें क्या अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ को अनगौला करना चाहिए, उसके लिए हैं जो हमारे जैसे 10 से लेकर 14 साल तक बच्चे की एज होती है, मिडिल एज होगी जैसे 15 से लेकर 17 तक, लिटिल एडोलेसेंस 18 से 19 तक, ठीक है, ऐसे डिवीज़न की हुई है। इसमें क्या है कि एक तो बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, बहुत अच्छी जो संतुलित खुराक, पेरेंट्स का अपने बच्चों के तरफ ध्यान देना चाहिए, उन्हें प्यार और स्नेह से उनसे बात करनी चाहिए, उनको एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चों का माइंड जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है, मतलब कि दूसरी तरफ हो जाता है, तो ऐसे में बच्चे जो हैं बच्चों का ध्यान जो है वो दूसरी तरफ हो जाता है, जैसे नशों में हो जा सकते हैं, उनकी बैड कंपनी हो जाती है, जीवन को सही सेध नहीं मिलती, ठीक है। इसीलिए पेरेंट्स को चाहिए कि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दें और उनका ध्यान रखें। अगर हम उनकी स्टडी की तरफ नहीं ध्यान देते तो वो स्कूल से हटकर कहीं नशा करने लग जाते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब कि एज में बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है क्या बेटा पॉपुलेशन ऑफ पंजाब, पंजाब की जो बसों है, ठीक है, जैसे लुधियाना फर्स्ट नंबर पे है आबादी के हिसाब से, अमृतसर, गुरदासपुर, जलंधर हो गया, और नेक्स्ट होशियारपुर, हम इसे डिवीज़न की हुई है। नेक्स्ट हमने पंजाब के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन की डिवीज़न की हुई है, फर्स्ट हो गया जैसे लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाले रीजन है जो कम जिसकी आबादी है। नेक्स्ट आ गया मॉडरेट पॉपुलेशन, साधारण आबादी। नेक्स्ट हो गया हाई पॉपुलेशन, ज़्यादा आबादी वाले, और वेरी हाई जो सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आबादी है जिसकी। नेक्स्ट लो पॉपुलेशन वाले एरिया कौन से, जैसे मानसा हो गया, मुक्तसर साहिब, फिरोजपुर, ठीक है, जिसमें पंजाब के जी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कम आबादी वाले हैं। नेक्स्ट आ गया मॉडरेट पॉपुलेशन वाले, जैसे तरनतारन साहिब, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, फरीदकोट, मोगा, बठिंडा, बरनाला, ये वाला एरिया हो गया। नेक्स्ट हो गया बेटा हाई पॉपुलेशन, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, रूपनगर, और वेरी हाई वाले गुरदासपुर, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, साहिबजादा अजीत सिंह। नेक्स्ट है बेटा अर्बन रूरल पॉपुलेशन, पेंडू और शहरी पॉपुलेशन, ज़्यादा वसो जो है पिंडों जो विलेज से शहर की तरफ जा रही है, ज़्यादा आबादी जो बेटा गांव में है और कम आबादी शहरों में। शहरों में लोग जो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए लोग आते हैं। नेक्स्ट हो गया बेटा जेंडर बेस्ड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, जेंडर मतलब कि उनकी जो लिंग आधारित जो बनतर है, जैसे 895 फीमेल और 1000 के पीछे 895 फीमेल्स हैं। नेक्स्ट उसके बाद नेशनल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन इन पंजाब, कारोबारी बनतर, जैसे पंजाब जो है खेती प्रधान देश है, पंजाब के ज़्यादातर लोग जो हैं खेती करते हैं, पशु पालते हैं और उस पर निर्भर करते हैं। पंजाब के बहुत सारे लोग संसार में दूसरी जगह जैसे आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, किस लिए, रोजी रोटी की भाल में, रोजगार की भाल में, नौकरी की भाल में वो दूसरे कंट्रीज में जाते हैं।
नेक्स्ट आ गया बेटा नेशनल पॉपुलेशन ऑफ द पॉलिसी 2000, कौमी जनसंख्या नीति है जो उसके हिसाब से मतलब कि जो प्लान किया हुआ है, जैसे बच्चों की सेहत की तरफ ध्यान देना, प्रॉपर टाइम पे हेल्थ सर्विसेज देनी, सप्लाईज इंफ्रास्ट्रक्चर्स और मेक स्कूल एजुकेशन 14 ईयर्स तक कंपलसरी, जो स्टडी है उसके पहले मतलब किसी बच्चों से चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए या कहीं भी, 14 साल तक जो पढ़ाई जरूरी है, स्टडी जरूरी है, उसके लिए फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट दे रही है। नेक्स्ट है बच्चे शादी की जो विवाह की लड़कियों की उम्र है 18 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर फीमेल फॉर्टिसाइड्स वोमेन सिचुएशन, लड़की जो मादा भ्रूण हत्या है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसके क्या कारण है? एक तो बेटा एक सामाजिक बुराई को ख़त्म करने के लिए मतलब कुछ कारण है जो ऐसे हालात पैदा करते हैं, जैसे जायदाद में का उत्तराधिकारी। दूसरा औरतों की पढ़ाई, अगर लेडीज़ को स्टडी करवाई जाए सामाजिक बुराई को ख़त्म किया जा सकता है। लड़कियों के विवाह पर ज़्यादा खर्चा होने के कारण भी लोग इन्हें बोझ समझते हैं। और सामाजिक सुरक्षा की कमी, कि लड़कियों की सामाजिक सुरक्षा की कमी है, अगर प्रॉपरली उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिले तो लड़कियों को बोझ नहीं समझा जाता। डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा, जो दहेज प्रथा होने के कारण कि लोग मुंह मांगा दहेज मांगते हैं, उससे भी लड़कियों का मतलब कि फीमेल फॉर्टिसाइड के जो बनता है सिचुएशन बनती है ऐसी। नेक्स्ट है लड़कियों से माड़ा सलूक, मतलब कि उनसे भी ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, जहाँ फिर कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, ठीक है। इन बुराई को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, जैसे लड़कियों को मारन वाले, जहाँ इस जो डॉक्टर होते हैं, नर्सें होती हैं, ठीक है, उन्हें सख्त से सख्त उनके अगेंस्ट सजा दी जाए उन्हें। नेक्स्ट दहेज लेने वाले, दहेज देने वाले दोनों के अगेंस्ट जो सख्त कदम उठाए जाएं। और नेक्स्ट बेटा लास्ट पे कंक्लूजन है कि हमारे देश में जहाँ हम कंजकों को पूजते हैं, दूसरी साइड उनसे जो जीने का हक भी हम खो लेते हैं, परंतु आज का समय आ गया है जब हमें ये सोचना चाहिए, ये प्रण करना चाहिए कि हमें लिंग आधारित कोई भी ऐसा जो एक्शन नहीं लेना चाहिए जिससे फीमेल फॉर्टिसाइड के हालात बने, मतलब कि मादा भ्रूण हत्या करें हम। बच्चों को बिना किसी भेदभाव से कुदरत का जो गिफ्ट समझकर उन्हें पालना चाहिए। ऐसी जो हमारी सोच है, नैरो माइंडेड है, ठीक है, उसे ख़त्म करना चाहिए और प्रॉपरली बच्चों को एजुकेशन दे के, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उन्हें आगे बढ़ने की सेध देनी चाहिए। That's all, beta. Thank you.